हेलो फ्रेंड्स, प्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज डे कब मनाया गया? फर्स्ट 26 सितंबर, सेकंड 27 सितंबर, थर्ड है 28 सितंबर, फोर्थ है 29 सितंबर। फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, 28 सितंबर। और विश्व रेबीज डे हम लुईस पाश्चर की पुण्यतिथि पर मनाते हैं, जैसा कि आप इन्हें यहाँ इमेज पे देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने पहली रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। और यह जो हम विश्व रेबीज डे मना रहे हैं, यह विश्व रेबीज डे का 15वां संस्करण है। तो चलिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा 28 सितंबर को हम विश्व रेबीज डे मनाते हैं लुई पाश्चर की पुण्यतिथि पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीसी महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? फर्स्ट गुरबीर पाल सिंह, सेकंड है सिकंदर सिंह, थर्ड है रघुबीर सिंह, फोर्थ है गुरमीत सिंह। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, गुरबीर पाल सिंह। जैसा कि आप यहां इमेज में इनको देख सकते हैं, यही गुरबीर पाल सिंह हैं और यह तरुण कुमार की जगह लेंगे, मतलब तरुण कुमार को यह रिप्लेस करेंगे। यह एनसीसी के महानिदेशक बनने वाले 34वें व्यक्ति हैं, 34वें नंबर के ये व्यक्ति हैं एनसीसी के महानिदेशक बनने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड, हमारा अगला क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट है मैक्सन कार्लसन, सेकंड है फैबियानो कोरियाना, थर्ड है ली रेडिंग, फोर्थ है वैसले सो। फ्रेंड, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, मैक्सन कार्लसन। यह एक शतरंज के खिलाड़ी हैं मैक्सन कार्लसन। इनको मास्टर कार्ड ने अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने रजत पदक जीते हैं? फर्स्ट है एक, सेकंड है दो, थर्ड है तीन, फोर्थ है चार। फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड वाला, तीन, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? फर्स्ट है इंग्लैंड, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है दक्षिण अफ्रीका, फोर्थ है भारत। फ्रेंड्स, इसका आंसर है फर्स्ट, इंग्लैंड। जैसे ये मोइन अली हैं, जैसा कि आप इन्हें इमेज में देख सकते हैं, यही मोइन अली हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और यह 34 वर्ष के हैं। जैसा कि बात यहाँ पर इंग्लैंड की है, तो हम जान लेते हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल फाइनल में सानिया मिर्जा ने किस चीनी जोड़ी के साथ यह खिताब जीता? फर्स्ट है जिंस बेबिस्ट, सेकंड है झांग सुआई, थर्ड है मिक्की सुना, फोर्थ है चीन हक्का। फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकेंड वाला, झांग सुआई। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह हैं सानिया मिर्जा, हमारी भारतीय हैं, और यह हैं चीन की झांग सुआई। इन दोनों ने मिलकर यह चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब जीता है। महिला युगल मतलब दो महिलाएं मिलकर खेलती हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? ए आशाबेन पटेल, बी नीमाबेन आचार, सी ज्योतिबेन शर्मा, डी गीताबेन पटेल। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी नीमाबेन पटेल, सॉरी फ्रेंड, बी नीमाबेन आचार्य। यह जो है बीजेपी की विधायक थी, जो यह गुजरात में अब नई विधानसभा बनी है, तो उसी में यह नीमाबेन आचार्य पहली महिला विधानसभा की अध्यक्ष बनी है। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, यही है नीमाबेन आचार्य।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? ए ग्रीस, बी जर्मनी, सी इटली, डी आइसलैंड। फ्रेंड्स इसका आंसर है डी आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी रैकजैविक है, रैकजैविक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर 2021 को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड शील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? ए इटली, बी जापान, सी रूस, डी चीन। फ्रेंड्स इसका आंसर है ए इटली। जो इटली है, इटली की राजधानी रोम है, और जो ये कोविड शील्ड वैक्सीन, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा यह कोविड शील्ड को निर्मित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यूरोपीय देश ने हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स इसका आंसर है डी स्विट्जरलैंड। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दीजिएगा। इसे हमने ऊपर पढ़ा है, एनसीसी महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? गुरबीर पाल सिंह, सिकंदर सिंह, रघुबीर सिंह, गुरमीत सिंह। चलिए फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। और आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।